अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल चिकन जो बनता है रमज़ान स्टार्टर्स में, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेकिंग इसका प्रॉपर देखें और रमज़ान में ज़रूर से बनाएं, एंड इंस्टाग्राम पे हमें टैग करके बताएं कि आपको ये मेकिंग कैसे लगी। इसे केटर किया था राजधानी केटरर्स ने। ज़ैनब कुक हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो KFC स्टाइल फ्राइड चिकन है ये, और ये बना था एक शादी में, क्या लजीज था। ऑफ कोर्स KFC का जो ओरिजिनल रेसिपी है और ये वाला रेसिपी, देर इज मच डिफरेंस, बट आपको ये इंडियन स्टाइल जो है वो ज़्यादा पसंद आएगा। चिकन आप कोई भी ले ले, थाइस कोई भी, एनी पार्ट ऑफ द चिकन, और सेम मसाला जाएगा अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इसका प्रोसेस है, 2-3 प्रोसेस है, बट आप ध्यान से देखें एक एक चीज़, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और वाइट पेपर पाउडर, अगर आपके पास सफ़ेद मिरी का पाउडर नहीं है तो आप काली मिरी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है आपका चाट मसाला पाउडर, और ये है आपका तंदूरी मसाला पाउडर, थोड़ा ही डालना है, ठीक है। अगेन इस पे वाइट पेपर पाउडर जाएगा, तो इसका जो भी जायका है तीखेपन का, वो हरी मिर्ची और वाइट पेपर पाउडर से आता है। अब आपको इसको पानी डाल के बॉईल कर लेना है। बॉईल आपको ज़्यादा नहीं करना है, ऑलमोस्ट 60-65% ही आपको बॉईल करना है इसे, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका चिकन ऑलमोस्ट थोड़ा कुक हो गया है, बस उतना ही, और जो ये यखनी है उसे फेंकना नहीं है, और थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हल्दी इतना सारा डालते हैं, तो अगर आप हल्दी डालते हो तो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो है टर्मरिक, केटरिंग में हल्दी का बहुत यूज़ होता है। अब आपको इसे पानी एकदम भर नहीं देना है, जितना आपका चिकन डूबे पानी में, आपको दिखे ऊपर चिकन है करके, तो उतना ही आपको पानी डाल के इसे बॉईल करना है। अब आप देखें इसका टेक्सचर, ये ऑलमोस्ट कुक्ड है बट फुल्ली कुक्ड नहीं है ये, ठीक है। 60-65% ही आपको इसे रखना है, क्योंकि इसे दो बार पकाना है, एक अभी आपने ये स्टेप देखा और लास्ट में जब हम इसे फ्राई करेंगे तब। अब इसका पानी आपको स्ट्रेन कर लेना है, तो जैसे आप इफ्तारी में बना रहे हो तो ये प्रोसेस आप सुबह कर लो, तो शाम तक इसका पूरा जो मॉइस्चर है वो छन्नी में निकल जाएगा। इसका मॉइस्चर निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर इसका मॉइस्चर नहीं निकलेगा तो आपके तेल में से लाइक बहुत आपको चटका भी लग सकता है, तेल उड़ेगा आपके हाथ पे। तो मेक श्योर करें कि ये पूरा सूख जाए अच्छे से। बहुत इजी है बट अगर आप प्रोसेस से चलोगे तो आपको बहुत आसानी होगा। अब ये वही स्टॉक है, यही यखनी है जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा यखनी ले लें। इसमें गया है तंदूरी मसाला पाउडर, ठीक है, स्टॉक में आपको डालना है अलग से तंदूरी मसाला पाउडर, और ये है चाट मसाला पाउडर। आपने एक भी स्टेप स्किप किया तो जायका भी ख़राब होगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो कभी भी ज़ैनब कुक हाउस का जो मेकिंग है आप स्किप करके मत देखें। ये खास करके आप लोग के लिए ही बनाया है, ताकि आप रमज़ान में तरह तरह की मेकिंग जो है अपने घर पे बनाएं। अब आपको इसे मसाला जो है पूरा मिक्स करके इसमें डाल देना है मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, ठीक है, कोई और तेल नहीं डालना है, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल डालना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो मेकिंग्स है ये शादियों वाली मेकिंग्स है। इसके अंदर गया रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस अभी बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, ठीक है, कोई भी ब्रांड का यूज़ कर ले। ये है टमाटो सॉस, सो सबके घर में किसान या फिर मैगी का रहता है। ये है हल्का सा गरम मसाला पाउडर। अब आपको इसे पका लेना है, ऑलमोस्ट आधा कर लेना है इसे। अब गया कॉर्नफ्लावर का स्लरी, कॉर्नफ्लावर को लेके थोड़ा पानी में भिगा दीजिए और इसका स्लरी आप ऐड करें। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रेवी है ना वो थिक होता जाएगा, ठीक है। वैसे रमज़ान में बहुत सारे लोगों को वक्त नहीं मिलता है, बट इफ्तारी हम ट्राई करते हैं कि सबसे बेस्ट हम अपनी फैमिली को दें, तो ये आप प्रोसेस जो है ये आप फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है।
अब जो ग्रेवी आपने थिक बनाया था वो चिकन के ऊपर डाल देना है। अब आप बोलोगे कि इसका मॉइस्चर निकाला क्यों? मॉइस्चर इसलिए निकाला क्योंकि वो सिर्फ पानी था, ठीक है, वो सिर्फ मसाले वाला पानी था, और ये जो है वो थिकनेस, ये थिक वाला मसाला है। अब जो हम मैरिनेट करते हैं या फिर कोट करते हैं, सॉरी मैरिनेट नहीं, कोट करना है आपको अंडों के साथ। सो कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए अंडा सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि उसमें एक सिल्कीनेस होती है, ठीक है। आप इस पर थोड़ा नमक डाल सकते हैं, बट बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, नमक नहीं प्रिफर करते हैं। और पैनको का जो ब्रेड क्रम्स है वो बहुत ही सुपर ब्रेड क्रम्स है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ पैनको का। अब आपको चिकन्स को बहुत अच्छे से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स में, ठीक है, और फ्लैट पैटीज टाइप करना, और एक्सेस जो है वो आप निकाल लो। ओके, सो मेक श्योर यू आर नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ ब्रेड क्रम्स, क्योंकि आपका तेल जो है वो ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा, खाली तेल में सिर्फ आपके ब्रेड क्रम्स जमा होते जाएंगे। सो बस प्रोसेस ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा ट्रिकी है, बट आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो इतना रॉकेट साइंस नहीं है ये KFC स्टाइल फ्राइड चिकन। सो बस आपको इसे फ्राई कर लेना है, ये स्टेज पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं फॉर ऑलमोस्ट 1 month। सो गाइस, अगर आपको मेरा मेकिंग पसंद आया है तो ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।